नमस्कार, आज मैं बात करूंगा कब्जियत पे, कब्ज़ को कैसे ख़त्म करें। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज बड़ा दिन है हम सब के लिए, और इस बड़े दिन पे मैंने सोचा आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे वीडियो बनाया जाए। और आज कब्जियत पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कब्जियत ही सभी बीमारियों की जड़ है। तो इसमें आज एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, जो कहीं भी किसी भी चैनल पे आज तक आपने नहीं सुना होगा। एक नई चीज़ मैंने खोजा है अभी रिसेंटली, और आज वो नई चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि कब्जियत ही सभी बीमारियों की जड़ है, कब्ज़ को ही ख़त्म कर देंगे सभी बीमारियां भाग जाएंगी। तो सबसे पहला जो कब्ज़ को ख़त्म करने का सबसे पहला जो हमने स्टेप लेना है वो है एनीमा। हमें एनीमा करना है, कम से कम 15 दिन, 10 से 15 दिन एनीमा आप करेंगे तो आपकी जो निचली जो कॉलन्स है वो उसकी सफाई हो जाएगी। 10-15 दिन करने के बाद, उसके बाद ही आप जो है रोड डाइट तो हम शुरू कर ही लेंगे। उसके बाद जो खाना पीना है, जो सुबह सुबह सबसे पहली जो चीज़ आपकी बॉडी में जाएगी वो जाएगी करेले का जूस। इसमें करना ये है कि 2 करेले लेना है, फाड़ के इसके बीजों को अलग कर लेना, छोटा छोटा काट के मिक्सी में डाल लेना, 1/2 ग्लास पानी मिक्सी में डाल लेना, उसको ग्राइंड करके इसको छान लो, और 1 गिलास सादा पानी भी ले लो, और 1 गिलास ये बन जाएगा करेले का जूस। सिप सिप करके आराम से पीना है सुबह सुबह, नंबर एक पर। उसके बाद आपको फ्रूट्स खाने हैं। 3 तरह के फ्रूट्स मैं इसमें रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहला पपाया खाना है, पपाया या फिर वाटरमेलन, या फिर वाटरमेलन के साथ जो छोटा आता है तरबूज खरबूज, उनमें से इन तीनों में से एक फ्रूट का सेवन आपको करना है इस जूस के बाद, करेला जूस के बाद इस फ्रूट का आपको सेवन करना है, तीनों में से कोई एक लेना है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, किसी भी तरह का फ्रूट खा सकते हैं। केले को छोड़ के केला आप खाएं दोपहर के बाद, 2-3 बजे के बाद केला आपको खाना, केला थोड़ा भारी होता है। तो उसके बाद आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, उसके बाद सब्जियों का सलाद खा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको खानी ही खानी है। उसके बाद हम आते हैं जी दोपहर से क्या करना है। दोपहर से आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 अलग-अलग रास्ते, जिस रास्ते आप जाना चाहें चले जाएं। एक रास्ता है मिलेट का। मान लो 1 से 2 बजे तक आपने कच्ची सब्जियों का सलाद और फ्रूट्स खा लिया 2 बजे तक। अब 2 बजे के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप 2 बजे मिलेट खा लें, ठीक है, 5 मिलेट में से एक मिलेट एक दिन करके खा सकते हैं रोज़ डेली। और उसके बाद जो है दूसरा रास्ता है कि पूरा दिन ही आप कच्चे पे रहे, वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फुल डे कच्चे पे रह लेते हैं अगले 2 से 3 महीने तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। सब्जियों का सलाद खाना है या फ्रूट्स खाना है अपनी इच्छा अनुसार पूरा दिन। और उसके बाद शाम को अगर भूख लगती है तो अगेन जो है आप मिलेट का सेवन कर सकते हैं। 5 प्रकार के मिलेट्स, श्रीधान्य मिलेट्स जो हैं, 5 एक-एक दिन करके आपको खाना है। तो इस प्रकार से जो है आपको इन चीज़ों का सेवन करना है। अब इसमें एक नई चीज़ जो है जो मैं आपको शुरू वीडियो के शुरू में ही आपको बोल दिया कि आपको एक नई चीज़ आज सीखने को मिलेगा, वो ये है मूंगफली। अब आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं पिछले तकरीबन मेरे को 20 से 25 दिन हो गया इस चीज़ पे रिसर्च करते हुए, करते करते 3-4 चीज़ें तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि मूंगफली के क्या फ़ायदे हैं। एक नया फ़ायदा मैं आज लेके आया हूँ, नई खोज मैंने की है। एक देखें 3-4 चीज़ें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मूंगफली पावर हाउस है, पावर हाउस, ताकत का भंडार है इसके अंदर। खाओगे इतनी ताकत आ जाएगी कि पूछो मत।
जहाँ चार चक्कर लगा रही हो तो आठ चक्कर लगाने शुरू कर दोगे, ठीक है, यानी कि सीधा डबल आपकी ताकत को कर देता है ये इसको खाते ही। खाने का तरीका मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ फिर से आपको। कच्ची मूँगफली ले आना है, पकाई हुई रोस्टेड मूँगफली नहीं लेके आनी है, उसको छीलना है, छील के उसको गिलास में रख दो, गिलास में पानी भर दो, और अगले दिन 24 आवर्स जब हो जाए उसमें एक दो दो से तीन चम्मच गुड़ डाल के खाएँ। खाने का जो टाइम है वो शाम को 6 से 7 बजे ही है, 6-7, 7:30 बजे तक इसको आपको खाना है। बहुत ईजी टू डाइजेस्ट है। अब इसमें नई बात क्या है, नई बात मुझे क्या पता चली है, नई बात ये पता चली है कि ये कब्ज़ को भी ख़त्म करती है, कब्जियत को। हुआ क्या, देखे मैंने तो एक्सपीरियंस करके लोगों को रिकमेंड भी कर दिया, और पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया भी था कि ये कॉलन्स और इंटेस्टाइन के लिए दवाई की तरह काम कर रहा है, मेडिसिन की तरह काम कर रहा है जी। अगले दिन पेट इतनी अच्छे से ये साफ करता है कि पूछो मत, और कितने लोगों का रिस्पॉन्स भी आ चुका है मेरे पास, कितने लोगों का फ़ोन आ चुका है मुझे कि आपने मूँगफली बहुत बढ़िया चीज़ बताई जी, हमने तो जो है मूँगफली आपके कहने पर खाना शुरू किया, उसके बाद जो है पेट इतना बेहतरीन तरीके से साफ हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और वही चीज़ तो देख के मैंने आप लोगों को बताया था, यही बोला था ना कि कॉलन्स और इंटेस्टाइन के लिए मेडिसिन की तरह काम कर रहा है, और वास्तव में तो ये एक नई खोज जो है ये पता चला है इसके बारे में, ठीक है। सो आप इसको शामिल करें, इसको खाना, टाइमिंग जैसे जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही करना, उसमें रत्ती भर भी आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। कच्ची मूंगफली लानी है तो कच्ची ही लानी है, रोस्टेड नहीं लेके आनी है। इसको छीलना है, छील के 24 घंटे के लिए भिगो के रख देना है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, टाइमिंग का भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। टाइमिंग मैंने अगर बोला है 6 बजे 7 बजे 7:30 बजे खाना है तो उतने बजे ही खाना है, कहीं दोपहर में खा के मत बैठ जाना, फिर ये काम नहीं करेगा जो पेट के लिए, जो सफाई के लिए, फिर ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसका कारण है, मैं अभी कारण एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो कारण है उसका, ठीक है। सो खाना आपको 6-7, 7:30 बजे ही है, क्योंकि मैंने दोनों टाइम पे खा के देखा है, बेहतर कौन सा है, इवनिंग वाला है बेहतर। क्या बहुत ह्यूज डिफरेंस है जी, थोड़ा बहुत नहीं, ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। आप 11-12 बजे खा के बैठ जाओगे, वैसे भी थोड़ा भारी है, 11-12 बजे तो आपको खाना ही नहीं, इवनिंग में ही सही है ये, पेट साफ करने के लिए भी, और ताकत तो इसके अंदर है ही है, ताकत तो भरपूर है ही है, तो दोनों चीज़ें कर रही है ये मूँगफली। तो ये एक आज हमने नई चीज़ सीखा है। आप सबको पता है कि मैं जो है एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करता हूँ और आगे वही चीज़ें करते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं से इधर से सुन लिया जी, उधर से सुन लिया जी, और मैं चैनल पे ले आकर रख दिया केवल व्यू पाने के लिए। मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना व्यू इस चैनल पे आ रहा है, मैं इसी तरह से चलता जाऊँगा, ठीक है। जिन लोगों को पसंद आएगा वो जुड़ेंगे, जिनको नहीं पसंद आएगा नहीं, कोई बात नहीं। सो इस तरह से जो है कब्जियत को ख़त्म करने का आज हमने जो है ये मैसेज क्या आ गया, कब्जियत को ख़त्म करने के लिए आज हमने ये सारा जो है बातचीत किया है, ठीक है। मिलेट्स को इग्नोर मत करना, मिलेट्स ज़रूर ख़रीद लेना, आप गेहूं से कब्जियत को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गेहूं खा के, क्योंकि गेहूं पूरी तरह से रबड़ है, हमारी बॉडी में जो है आंतों में जाके चिपकता है, आप गेहूं खा के कब्जियत नहीं ख़त्म कर सकते, जब तक खाते रहेंगे परेशान रहेंगे। मिलेट में क्या है कि मिलेट में वो रबड़, वो गम जैसे फेविकोल होता है चिपकता है, वो चीज़ नहीं है मिलेट के अंदर, ये इधर से जाता है और सफाई करते हुए जाता है। इसमें सोलिबल और इनसोलिबल दोनों तरह के फाइबर है, ठीक है। सब्जियों का फाइबर और इसका जो फाइबर है अलग होता है दोनों का, ठीक है। तो हमें सब्जियाँ भी खानी है, मिलेट्स भी खाना है, दोनों का फाइबर डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। इसमें सोलिबल इनसोलिबल है, सोलिबल इनसोलिबल का फ़ायदा क्या होता है, देखें जो सोलिबल होता है वो घुल के हमारी नाड़ियों में भी ट्रेवल करता है और नाड़ियों को भी साफ़ करता है, जो इनसोलिबल होता है वो आँतों को साफ़ करता है। ये जो डाइजेस्टिव कैनल है ना पूरा का पूरा, इसको इसकी सफाई करती है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, फल फ्रूट सब्जियाँ भी और मिलेट्स भी, ये दोनों ही ज़रूरी है। सो इस तरह से इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं अब, और आज हमने कब्जियत के ऊपर बात किया। सो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार और हैप्पी।